जय मिश्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरियाणा से, कबलाना गांव से। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? सिस्टर मेरी गवाही ये है कि मतलब मेरे बचपन से जब से मतलब पीरियड्स होते थे तो बहुत तेज होते थे। जब से आपको पीरियड्स होने स्टार्ट हुए थे तब से ब्लीडिंग बहुत होती थी। हाँ जी। और पेट में पेन भी होता था बहुत तेज, बहुत ज्यादा। जब से स्टार्ट हुए थे मीन्स आपको 14-15 साल की एज से? हाँ जी जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी मतलब होते रहे, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कि कुछ काम नहीं होता था, हमेशा चारपाई पे लोटे रहना, बस कुछ काम नहीं, खाने पीने का कुछ मन नहीं करना, हमेशा बस लेटे ही रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करता था, किसी से बोलने से मन नहीं करता था, बस हमेशा दर्द में ही वैसे पड़े रहते थे चारपाई। तो जो आपको ये पीरियड्स की प्रॉब्लम थी ये कितने दिन तक रहती थी? जब से मतलब स्टार्टिंग में हुए हैं तब से ही। कितने दिन तक रहती थी ये? मतलब हफ्ते भी मतलब 9-10 दिन तक रहते थे। 9-10 दिन तक आपको पीरियड्स होते थे? हाँ जी। और ये आपको शुरू से ही है? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई, तो अब मेरी शादी को 17 साल हो गई। आपकी शादी को 17 साल हो चुके हैं? हाँ जी। जब आपकी शादी हुई आप 18 साल की होने वाली? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने डॉक्टर के पास भी जाने की कोशिश की कि ये मतलब तेज बहाव मेंसेस होते हैं, मैंने कोशिश किया मतलब इसके मैं अपने बच्चादानी को निकलवाने के लिए भी। मतलब आप इतने परेशान हो गए थे कि आपने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की? हाँ जी। क्या बोला? मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाती थी, कहीं भी कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, मतलब किसी के घर पे या कुछ काम करना, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने खुद देखा, तो मेरे हस्बैंड ने भी मन बनाया कि हम बच्चादानी को निकलवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेंगे इसका। मतलब आप पीरियड्स की प्रॉब्लम से इतने परेशान हो चुके थे कि आपने ये सोचा कि बच्चेदानी निकलवा देते हैं। पीरियड्स के अलावा और क्या दिक्कत होती थी आप? पीरियड्स के अलावा मेरे सफेद पानी भी आता था। सफेद पानी आता था? हाँ जी। कब से? ये मेरे शादी के बाद से हुआ। ये शादी के बाद से? हाँ जी। तो कब रहता था ये? हमेशा रहता था, मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी इससे, हमेशा गीलापन महसूस होता था, मतलब बेचैन रहती थी मैं, बहुत परेशान थी। मतलब आपको ये डेली होता था 17 साल से? हाँ जी। और क्या क्या दिक्कत होती थी उस टाइम? इससे दिक्कत होती थी हाथ पैरों में कमजोरियाँ, कुछ खाना पीना अच्छे से नहीं होता था, मतलब डरते डरते कुछ खा पाती थी कि या खाऊं या मतलब ठंडी चीज खानी या गर्म चीज खानी है, मतलब बहुत ही मतलब सोच सोच के खाना पड़ता था। मतलब आप इतने परेशान हो गए थे कि आप खाने पीने में भी पहले सोचते थे कि मतलब ये खाऊं या नहीं खाऊं, किस वजह से हो रहा है? तो ये आपको डेली होता था? डेली होता था। और मैंने इनकी दवाई भी ली, मतलब सरकारी हॉस्पिटल से मैंने इलाज चलवाया, कभी 3 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, जब तक मैं दवाई लेती थी तो मुझे आराम रहता था, लेकिन डॉक्टर उसका मतलब ये नहीं बोलते थे कि ये जड़ से खत्म हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से हो जाते थे, कि जड़ नहीं जाती थी। तो ये आपको 17 साल से हर दिन आपको वाइट डिस्चार्ज होता था, सफेद पानी जाता था हर दिन? हाँ जी। फिर क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम होती थी उस टाइम? प्रॉब्लम में बीमार ज्यादा रहती थी, हाथों पैरों में बिल्कुल जान नहीं रहती थी, काम करने का कभी भी मतलब कुछ भी मन नहीं करता था, ना खाने का ना पीने का, ना कोई भारी वजन मतलब उठा पाती थी, हाथ पैर कांपते रहते थे, कमजोरी ज्यादा महसूस होती थी हमेशा, बस कभी सर में दर्द, कभी हाथों पैरों में दर्द, ऐसे ही मतलब कभी टाइफाइड ऐसे होता था। फिर क्या हुआ? फिर ऐसे ही मैंने इलाज जब चालू करवाया उससे भी कोई आराम नहीं मिला मुझे, फिर मैंने यहाँ परमेश्वर के भवन में आने लगी मैं, किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया प्रभु की दासी ने, तो फिर मैं भवन आने लगी, मैं प्रार्थना में जुड़ने लगी, और फिर प्रभु के दास ने प्रोफेसी की पिछले संडे से, पिछले संडे को प्रोफेसी की कि गुप्त रोग जा रहे हैं, तो मैंने रिसीव किया, तो उसी दिन से मैं चंगी हूँ। पापा जी ने पिछले से पिछले संडे प्रोफेसी की थी? हाँ जी। और पिछले संडे भी की थी कि गुप्त रोग जा रहे हैं, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो चल नहीं पा रही है, पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि गुप्त रोग जा रहे हैं, रिसीव करो, और इन सिस्टर ने रिसीव किया। फिर क्या हुआ? उसी दिन से मैं चंगी हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जो आपको पीरियड्स की दिक्कत थी वो? पीरियड्स की दिक्कत भी आए बस मतलब 3 या 4 दिन तक नॉर्मल रहते, जो 10 दिन रहते थे अब आपको 4 दिन रहते हैं। हाँ जी। और जो वाइट पानी आपको आता था?
वो गांठ भी नहीं आती है, हम नॉर्मल रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। जोर से महिमा करेंगे इस बड़ी कमाई के लिए। जो आपको 14-15 साल से पीरियड्स की दिक्कत थी, आज आपकी एज क्या है? मेरी 35 साल। आप देख सकते हैं इतने सालों से जो नहीं हो पाया, जैसे प्रोफेसी सिस्टर ने रिसीव किया, आज ये चल नहीं हो चुकी है। परमेश्वर की जोर से महिमा करेंगे। जोर से, जोर से। आसंगी
नहीं होती थी कि मैं काम कर लूंगी। तो आपको जैसे जब सांस नहीं आती थी तो कैसा महसूस होता था उस टाइम? ऐसे हो जाता था मेरी सांसें निकल जाएगी, मैं मर जाएंगी, ऐसा लगता था आपको कि सांस बिल्कुल नहीं आ रही है, कुछ हो जाएगा ऐसा लगता था आपको कि मैं धरती पे है ही नहीं, मैं खत्म हो गई। तो आपने इस चीज की दवाई नहीं ली? हाँ सिस्टर, मैं रस्ते से रूम पे तो पहुंचती भी नहीं थी, रस्ते से दवाई लेना पड़ता था मेरे को। रस्ते से आपको दवाई लेनी पड़ती थी, मतलब आप जब जॉब से घर जाते थे तो आप घर नहीं पहुंच पाते थे? नहीं सिस्टर, मैं घर पे नहीं पहुंच पाती थी, रास्ते में आपको दवाई लेने जाना पड़ता था। फिर दवाई से कोई फर्क पड़ा? इतना लेती इतना मेरे को फर्क पड़ता, उसके बाद कोई फर्क नहीं होता सिस्टर। जब तक कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जब तक दवाई रहती थी तब तक ऐसे रहता था, फिर कोई अगले दिन फिर ऐसा हो जाता था। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ वो भाभी ने बताया था, मैं यहीं आई थी, धीरे धीरे मेरा सारा दर्द चला गया। आप जब यहाँ आने लगे तब आपकी वो जो सांस फूलना होता था, पेट दर्द, बीच में दवाइयाँ लेना, वो कैसा है? मतलब अब मैं कोई दवाई नहीं ले रही सिस्टर, यहाँ आई थी तब थोड़ी थोड़ी दवाई लेती थी, अब मैं कोई दवाई नहीं लेती, मेरे को बिल्कुल ठीक हो गई। तब से आप बिल्कुल ठीक है? जोर से महिमा करेंगे परमेश्वर की, जोर से जोर से। जो आपकी सांसें फूलती थी वो क्या, अब कैसा असर है उसका? अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई सांसें नहीं फूलती, अब मैं काम भी करती हूँ और सब करती हूँ, खाना भी खाती, सब होता है। अब खाना भी खा पाती है, सांस भी लेती है आराम से, और जो ऑफिस से घर जाते समय आपको बीच में ही रुक के दवाई लेनी पड़ती थी वो नहीं, दवाई कोई दवाई नहीं खा रही है फिलहाल। जोर से महिमा करेंगे परमेश्वर की, जोर से जोर से। दस तार वाले बाजे के साथ क्या कहना चाहती है आप? मैं ये कहना चाहती हूँ परमेश्वर में जुड़े रहो, परमेश्वर हर एक बीमारी का वो करता है, कोई बीमारी नहीं रहे किसी रही। सच में वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। जोर से महिमा करेंगे हालेलुया के नारे लगाते हुए। कहाँ से आई हैं आप? ताबड़ी से। क्या दवाई है सिस्टर आपकी? मेरी दवाई ये है, मेरी मम्मी को पहले सुनाई नहीं देता था, अब मतलब 3 साल से, 3 साल से उनको सुनाई नहीं देता था। 3 साल से आपकी मदर को सुनाई नहीं देता था? हाँ, कई बार हम लोग खुद परेशान हो जाते थे, रोने लग जाते थे क्योंकि मम्मी सुनती नहीं थी। तो आप कैसे बात करते थे उनसे? चिल्लाना पड़ता था, मतलब चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती थी, आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। हाँ जी। और जब से जैसे मम्मी को आंखों से भी कम दिखता था, आंखों से भी उनको दिखाई नहीं देता था? हाँ, मतलब प्रॉपर ठीक से नहीं दिखता था। क्या क्या होता था उस टाइम? जैसे कि मम्मी खाना बनाती है तो दाल में कंकड़ निकल आते थे, और कई बार रोटियां बनाती थी तो एक के ऊपर एक रोटी, 3-4 रोटी एक साथ रख देती है तवे पे। मतलब उनको इतना भी नहीं दिखता कि तवे पे ऑलरेडी रोटी है। हाँ जी। और मुझे दूसरी नहीं डालनी, इतनी आईज वीक थी उनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो कानों की दिक्कत उनको होती थी उससे क्या आपकी डेली लाइफ में होता था? रोज भी जैसे मम्मी नहीं सुनती थी, कई बार घर में झगड़े भी हो जाते थे कि जब मैं मम्मी को काम के लिए बोलता हूँ तो मम्मी सुन के भी अनसुना शुरू कर देती है। तो भाई तो रोज का घर में कलेश करते थे। और जो आंखों से इनको नहीं दिखता था उस टाइम क्या क्या नहीं कर पाती थी? प्रॉपर से जैसे दाल में कंकड़ वगैरह निकलते हैं वो सब नहीं होता था, चावल बनाती हैं वो भी नहीं कर पाती थी, कई बार सुई में धागा नहीं डाल पाती हैं, सुई में धागा भी नहीं डाल पाती थी, मतलब ऑलमोस्ट आधे काम इनको नहीं दिखते थे और आवाज भी इनको नहीं सुनाई देती थी। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग जैसे हमारे घर में सिस्टर आई थी, हमें यहाँ के बारे में बताया, तो हम यहाँ आए थे पिछले ये संडे गए, जो पिछले संडे आप आए थे, आप कितनी बार आ चुके हो? यहाँ मैं मेरा दूसरा संडे है यहाँ पे, मतलब आप उस संडे पहली बार आए थे? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट डे आए थे। हाँ जी। क्या हुआ? तो पापा जी ने जो पेयर करी थी ऑयल वाली, तो उस टाइम पापा जी ने प्रोफेसी की थी। हाँ जी, हाँ जी, वही। आइए हम वीडियो में देखेंगे जो पापा जी ने प्रोफेसी की थी उस टाइम पर। पापा जी ने अभी आपने जो इससे पहले वीडियो देखी उसमें प्रोफेसी की थी कि आंखें ही हो रही हैं, कानों की प्रॉब्लम ही हो रही है, सुनने पाएंगे सब। उसके बाद जब इन्होंने वो रिसीव किया तब क्या हुआ? तो दांतों की बीमारियां चलती रही, कानों
हम जैसे टेस्ट कर रहे थे तो बाकी सब लोग बोल रहे थे, मम्मी अपना कुछ अलग ही बोल रही थी क्योंकि उनको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा था। कई बार घर में भी ये चीज़ें हुई हैं, हम कुछ बोलते हैं मम्मी कुछ और दे देती है उठा के वही चीज़, और यहाँ पे आने के बाद अब मम्मी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है और मम्मी सुन भी सक रही है अच्छे से, प्रॉपर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अब आप आराम से भी बात कर रहे हैं तो उन्हें सुनाई दे रहा है। जोर से बोलना चाहिए परमेश्वर की, जोर से, जोर से। तो जो ये नहीं देख पाती थी घर में छोटी छोटी चीजें, अब उसमें क्या चेंजेस है? अब वो खाना वाना टाइम से मिल रहा है और जैसे दाल में जो कंकड़ और चावलों में निकलते थी चीजें वो बंद हो गई है। प्रॉपर खाना पीना, पहले भाई बड़ी चीजें देख के खाना नहीं खाते थे, अब कोई शिकायत नहीं, आराम से खाना खा के आराम से सब रेस्ट करते हैं। जोर से महिमा करेंगे परमेश्वर की, जोर से, जोर से। आपके ब्रदर ने कुछ नहीं कहा जब ये ठीक हो गए, उसके बाद आपके ब्रदर का क्या रिएक्शन था? हाँ, एक बार हम लोग जैसे यहाँ से चर्च से जब हम लोग घर गए थे तो मैं और भाई आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने मुझसे कहती है कि अब मैं देख सकती हूँ कि जो आप कर रहे हो ना मुझे दिख रहा भी है और सुनाई भी दे रहे हैं। मतलब पहले आप जो भी करते थे वो नहीं देख पाती थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अब आप जो भी कर रहे हो मैं देख भी पा रही हूँ और सुन भी पा रही हूँ। जोर से महिमा करेंगे परमेश्वर की, 10 तालियां बजाने के साथ आपकी महिमा ने अपनी चेस बड़ी गवाही के लिए। इससे मेरी भी गवाही है, जब मैं पहले संडे को आई थी तो मैं चल नहीं पाती थी, 10 महीने जिससे बैठ पी थी और मेरे को ब्लड की वॉमिटिंग वगैरह भी होती थी बीच। आपको जो ब्लड की वॉमिटिंग होती थी वो कब से होती थी? जब मैं बीमार चल रही थी ना शुरू में, नवंबर के टाइम में क्या हुआ? नवंबर के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, नहीं चल पाती थी ना उठ पाती थी और बीच आप चल फिर नहीं पाती थी। हाँ जी, पूरा खाना पीना भी नहीं खा रही थी मैं, जो भी कुछ खाती थी ना वॉमिट हो जाता था। जो जब आपको स्टार्टिंग में जैसे आपकी जो तकलीफें शुरू हुई, जैसे आपने बताया कि आपको ब्लड की वॉमिटिंग होती थी, ब्लड की भी वॉमिटिंग होती थी, हाँ जी, क्या क्या होता था उस टाइम पे? तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला, मम्मी को भी बताया कि आपकी बेटी अब ठीक नहीं हो सकती। मतलब सबने ये बोल दिया था कि आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोल दिए थे, हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट भी करा दिया था, डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल से वापस कर दिया रात को ही कि इसका कुछ नहीं हो सकता, आप जितना दिन इसको देख सकते हो और इसका ध्यान रख सकते हो वो करो। मतलब डॉक्टर्स ने भी आपको मना कर दिया था, ऐसी हालत आपकी हो गई थी। हाँ, तो जो आप चल फिर नहीं पाते थे आपने बताया, तो वॉशरूम वगैरह जाना या अपना काम करना कैसे मैनेज होता था? वो मम्मी सारा कुछ मम्मी करती थी, खाना खिलाना मम्मी खुद अपनी आँख से उठाती थी बिठाती थी और खुद खाना तोड़ के खुद ही मम्मी खिलाया करती थी। मतलब खाना भी मम्मी खिलाती थी, वॉशरूम भी मम्मी ले जाया करती थी। हाँ, मम्मी सारा कुछ करती थी मेरा। और क्या क्या तकलीफें होती थी उस टाइम? और जैसे बीच में कई बार किसी ने वैसा बुरी आत्माओं का भी बताया था, तो कई बार मुझे खुद को लगता था कि मेरे पास बेड पे कि कोई लेटा हुआ है। आपको बेड पे आपके साथ कोई महसूस होता था जैसे आपके पास कोई लेटा हुआ? अभी भी जैसे जब मैं चर्च आने लगी उससे पहले भी ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ, और उसके जब मैं चर्च आई हूँ जब आपको ऐसा लगता था कि आपके पास कोई लेटा हुआ है, आपने अपनी मम्मी को बताया? नहीं, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी डर से। आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी डर से? रोने लग जाया करती थी मैं उस टाइम। फिर क्या हुआ? फिर आपने कहीं पहले डॉक्टर को किसी को दिखाया नहीं? दिखाया था, डॉक्टर ने वापस ही कर दिया, दवाई देने से ही मना कर दिया, टेस्ट बोले थे अब इमरजेंसी में एडमिट करवाया था तो एक रात रखा था, तो ज़्यादा कंडीशन खराब होने की वजह से उन्होंने छुट्टी कर दी। उन्होंने आपको घर ही भेज दिया कि अब आप ठीक नहीं हो सकते? दूसरे हॉस्पिटल में मतलब रेफर कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर। हाँ जी, तो वहाँ पे भी जाके डॉक्टर ने ये बोला कि कंडीशन इतनी खराब है कि पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे उन्होंने मतलब आपको जवाब दे दिया था कि कुछ भी हो सकता है, आप इनको ले जाइए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सेम डे पे ही घर वापस आ गए थे? हाँ हाँ। तो जो आपकी वो चल फिर हॉस्पिटल से आने के बाद भी सेम कंडीशन थी जैसे आप नहीं 10 महीने हो गए आपको जैसे खुद से चल रहे थे आप या कुछ? नहीं नहीं, हॉस्पिटल से आने के बाद भी मैं बेड पे ही थी। बेड पे ही थी, वही वॉशरूम मम्मी ले जाती थी, चेंज कराना कपड़े, हाँ जी, खाना खिलाना सब कुछ मम्मी करती थी।
और आपकी तकलीफ कुछ कम हुई, जैसे जो पेन होता था आपको, फीवर रहता था, जो ब्लड की वॉमिट होती थी आपको? हाँ, जैसे किसी ने मेरे को बताया तो मैं, हमारे घर पे कोई आए थे तो उन्होंने कुछ मेरे को बांधने के लिए दिया, तो जब तक वो बांध के रखा था तब तक ठीक रहती थी, और कई बार जैसे नहाने जाना होता था तो उसे निकालना पड़ता था, तो जैसे साइड में रख दिया तो उसके बाद खुद ही पता ही नहीं चलता था, कब निकल जाया करती थी, बेहोश हो जाया करती थी, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। मतलब जब तक आप वो बांध के रखते थे तब तक रिलीफ होता था, जैसे उतार के आप बेहोश हो जाते थे? हाँ जी हाँ, कभी भी बेहोश हो जाते थे? हाँ, कई बारी मम्मी घर पे होती थी, कई बारी नहीं होती थी। एक बार मम्मी ऐसी कहीं चली गई थी तो घर में बाहर से मतलब दरवाजा बंद करके गई थी, तो मैं जब मम्मी घर पे आई तो मैं होश में नहीं थी। आप बेहोश थे उस? हाँ जी। फिर क्या हुआ? काफी लोगों ने आपके बारे में भी बताया था पर हम लोगों ने उस टाइम पे वो नहीं किया, हम औरों की, दूसरे लोगों की बातों में आते रहे। आपने उस टाइम विश्वास नहीं किया, दूसरे लोगों की बातों पे आते रहे, वरना परमेश्वर ने तो आप पास पहले सुसमाचार पहुंचाया। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जैसे सिस्टर हमारे घर आई थी, पर उस टाइम पे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी बात मेरे दिमाग में वही चीज घुस गई कि संडे को मुझे जाना है तो जाना है। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को सिस्टर यहाँ पे लेके आई पकड़ के, और यहाँ संडे को आने के बाद मेरे को काफी नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी। उस दिन भी आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी जब आप लास्ट संडे आए थे? हाँ जी हाँ। तो जो आप लास्ट संडे आए थे वो आपका फर्स्ट संडे था या इसके पहले कभी आए? फर्स्ट संडे आप आए थे। क्या हुआ फिर? फिर जब जो पापा जी ने प्रेयर की थी तो उसमें मैं पीछे बैठी हुई थी उधर, तो ऑयल लगाने के बाद मेरे पैर खुद ही अपने आप से ऐसे कांपने लगे थे। जो लास्ट संडे ऑनेटिक ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, आपको दिया गया था, उस टाइम पापा जी मम्मा जी प्रेयर कर रहे थे? हाँ जी हाँ। आपने वो ऑयल लगाया? हाँ जी लगाया था। ऑयल लगाने के बाद क्या हुआ? ऑयल लगाने के बाद मैंने, दर्द बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, मैं बैठी हुई थी। ऑयल लगाने के बाद मेरे को पेन, एकदम पेन खत्म हो गया, मतलब बॉडी में पेन महसूस नहीं हो रहा था। ऑयल लगाने के बाद जो आपको दर्द हो रहा था जब आप संडे आए थे, तो वो क्या, जैसे आप संडे आए थे तब भी आपको वो फील हो रहा था? हाँ जी हाँ। और जैसे आपने ऑयल लगाया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को पेन नहीं हो रहा, मेरे पास मम्मी जी आई थी, मेरे को बोला खड़े होने के लिए, तो मैं खुद से खड़ी हुई नहीं, पकड़ के खड़ा करना पड़ता था मुझे। ऑयल लगाते ही जैसे ही मम्मा जी ने बोला आप खड़े हो जाओ, और आप खड़े हुए मम्मा जी की प्रेयर के बाद, और आप खुद से बिना सहारे के खड़े हुए। आप सब देख पा रहे हैं ये बहन खुद से खड़े होके, ये इन्होंने लास्ट संडे इंस्टेंट गवाही दी थी कि ये खुद आगे चल के बिना सहारे के आई है, और ये रोने लगी थी क्योंकि 10 महीने से ये बेड पर थी, और इनकी मम्मी ही इन्हें वॉशरूम ले जाती थी, सारा इनका काम करती थी। आप देख पा रहे हैं कि ये खुद खड़ी है बिना किसी सहारे से, और ये चल भी पा रही है। जोर से महिमा करेंगे, जोर से। जब आप यहां से गए, जब आपकी ये इंस्टेंट गवाही हुई, तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? मुझे बहुत बेटर फील हो रहा था, और जब घर गई थी, जो काम मैं खुद से नहीं कर पा रही थी अपने, मैं खुद से कर रही हूँ।
पहले मम्मी को बुलाना पड़ता था हर चीज के लिए, और मैं खुद अपने आप से करती थी। तो जो वॉशरूम पहले मम्मी ले जाती थी वो? वो भी मैं अपने आप उठ के अब जा रही हूँ। वॉशरूम भी आप खुद जा रही है? जोर से महिमा करेंगे परमेश्वर की। 10 महीने से ये बहन बेड पर थी, पैरों से चल नहीं पाती थी, पकड़ के ले जाना पड़ता था। आप थोड़ा सा चल के दिखाएंगे, आप देख सकते हैं बहन पूरी तरीके से हील हो चुकी है। जोर से महिमा करेंगे, जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे, जोर से जोर से। क्या कहना चाहती हैं आप? और जो मेरी मम्मी को थोड़ी सी दिक्कतें थी उससे तो बहुत ज्यादा चंगा कर दिया, क्योंकि उन्हें रोना पड़ता था। जोर से महिमा करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए।